हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स। जो खास करके नीट वाले बच्चे होते हैं उनके लिए मैथमेटिकल टूल्स बहुत ज़रूरी होता है। बिना उसके वो फिजिक्स में बहुत अच्छे से क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैलकुलस, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर अलजेब्रा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फिर ग्राफ। इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको फिजिक्स अच्छे से कॉन्सेप्ट आना हो तो, ठीक है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कैलकुलस की, और कैलकुलस से स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथमेटिकल टूल्स को। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस देखिए, कैलकुलस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पहले पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बिना इसके आप जो है फिजिक्स में थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ओके चलिए, तो डिफरेंशिएशन की हम थोड़ी बात करें, हेडिंग डालें डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन देखें जरा क्या होता है, दोनों में अंतर समझ लें। एक मिनट रुक जाएँ, कैलकुलस को ही हम थोड़ा सा एक अपने छोटे से उसमें बता देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, राइट। चलिए तो थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं, ठीक है, कैलकुलस की। तो देखिए कैलकुलस में दो बातें जो हम पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जरा उसमें अंतर पहले समझ लें क्या होता है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, और दूसरा जो है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन देखिए जरा इस जो इसकी लिटरल मीनिंग होती है उसको समझें। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, स्प्लिट करना, स्प्लिट करना, ठीक है, स्प्लिटिंग, ठीक है। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, एडिंग करना, ठीक है। अब देखें, जैसे मैं कहता हूँ कि एक बड़ी सी लाइन है, ठीक है, एक लेंथ है, और ये जीरो से लेकर के एल तक मैंने बोला इसकी लेंथ एल है। इसको छोटे 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 पार्ट में तोड़ने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। एक बड़े से पार्ट को छोटे पार्ट में तोड़ना, जैसे अगर लेंथ एल है तो डी एल लिख सकते हैं। और इन सभी छोटे छोटे लेंथ को जोड़ना, इन सभी छोटे छोटे लेंथ को जोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। अगर मैं बोलता हूँ कोई फंक्शन है वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और इसको लिखते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं वाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, मान लीजिए कोई फंक्शन है यहां पे डी एक्स, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं और भी चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए डिफरेंशिएशन को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना चाहिए, क्या समझना पड़ेगा, कि कितने टाइप का हमारे फंक्शन होते हैं। फंक्शन क्या होता है पहले ये समझे, फिर टाइप ऑफ फंक्शन पर चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन की, ठीक है, फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ वाई इजकल टू, वाई इजकल टू फंक्शन ऑफ एक्स है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वाई जो है वो किसका फंक्शन है, वो एक्स का फंक्शन है। इसका मतलब एक्स की हर वैल्यू पे वाई क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ये जो देखें ज़रा समझें, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और इसको अपन लोग बोलते हैं क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता है, एक्स वैल्यू आप वन रखिए तो वाई की वैल्यू वन आ जाएगी, एक्स वैल्यू टू रखिए तो वाई की वैल्यू टू आ गई, है ना। अब इस तरीके से अगर मैं फंक्शन की बात करूँ कि कितने टाइप का फंक्शन है, तो उसके लिए देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करूँ, टाइप्स ऑफ फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, टाइप ऑफ फंक्शन, तो देखें टाइप ऑफ फंक्शन कौन कौन से हैं। सबसे पहला लिखें अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है ना, अलजेब्रिक फंक्शन। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और तीसरा जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और चौथा जो है
वो है मेरे प्यारे बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन। इन सभी का जो है हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, इन सब का हम लोग देखेंगे या डिफरेंशिएशन, और हर एक फंक्शन के लिए रूल अलग अलग होगा। तो जल्दी से नोट करें ताकि हम लोग आगे बढ़ें, जल्दी से नोट करें मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नोट हो गया क्या? नोट हो गया क्या? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर नोट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया टाइप ऑफ फंक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अलजेब्रिक फंक्शन की, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करें किसकी? अलजेब्रिक फंक्शन की। तो चलिए अलजेब्रिक फंक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। चलिए तो सबसे पहले लिखिए हेडिंग, कौन सा? अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, वो है अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है वो लिखे हैं अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है बच्चों। चलो सबसे पहले लिखे अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। जब मैं अलजेब्रिक फंक्शन की बात करता हूँ, जरा देखें, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे सपोज करिए हमारे पास है वैल्यू y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, मान लीजिए ऐसे दे रखा है। तो आप देखिए कि x की हर एक वैल्यू पे y क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। यानी x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी है? 3 आएगी। तो इसका मतलब x जो है हमारा वो इंडिपेंडेंट है, जबकि y जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका देखें, कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब चलिए देखें, सबसे पहले अगर सपोज करिए x पावर n था, y इज इक्वल टू x पावर n, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। रूल नंबर 1 इसको लिखें, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे कितना? x पावर n। अब जो वैल्यू यहाँ पे वही यहाँ होना चाहिए तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, अगर ऐसा नहीं है तो इसको डिफरेंशिएट करने का रूल अलग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? n हमारा होगा वो आगे आएगा, n आगे आया और x पे पावर n माइनस 1 हो जाता है। ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैं कहूँ y इज इक्वल टू x पावर 10 है, तो मैं लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, 10 आगे आया, x पावर 10 माइनस 1 घटाए, कितना आया? 10 x पावर कितना? 9, राइट। उसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं फिर से कहता हूँ कि एक एग्जांपल और लेता हूँ, y इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मुझे डिफरेंशिएट करना है y को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy वाई अपॉन डी एक्स क्या लिखेंगे? लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, उसके बाद क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? ये 2 आगे आ गया, उसमें से एक घटा दिया तो 2 माइनस 1 हो गया, प्लस 2, और x पावर देखिए कितना है? 1 ही है, तो 1 में से 1 घटाओ, 1 आया आगे, मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा, और कॉन्स्टेंट का हो जाता है 0, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2x प्लस 2, है ना, x पावर 0 वैल्यू 1। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर, ओके। अब और भी देख सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि एक एग्जांपल और लेता हूँ, एक एग्जांपल और इधर ले लेता हूँ, मैंने कहा y इज इक्वल टू t पे पावर 5, तो मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? t के रिस्पेक्ट में, तो dy वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा? d अपॉन डी टी, और t पे पावर कितना? 5। 5 क्या होगा? आगे आएगा, उसमें से एक घटेगा तो 5 माइनस 1, यानी क्या लिख सकते हैं? 5 t पे पावर कितना? 4। तो ये हमारा होता है डिफरेंशिएशन का तरीका। तो रूल नंबर 1 हमको ये समझ में आया, ये हमारा रूल नंबर 1 है, इसको मैं लिख दूँ, ये हमारा रूल नंबर 1 है, ठीक है, इसको लिखें जल्दी से फटाफट ताकि हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखिए, अब कुछ क्वेश्चन कर लें फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखें अगर मैं कहता हूँ, देखें जरा, अगर मैं कहता हूँ कि y की वैल्यू दे रखा है एक्स पे पावर माइनस 5 प्लस एक्स पावर माइनस 2 प्लस एक्स, तो डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x हम क्या लिखेंगे? अब माइनस 5 है तो माइनस 5 आगे आएगा, यही तो हमने सिखाया था।
अच्छा चलो भाई एक लाइन और बढ़ लेते हैं, चलो एक लाइन और बढ़ लेते हैं और एक लाइन और बढ़ लेते हैं। हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे और क्या, एक्स पावर माइनस फाइव प्लस एक्स पावर माइनस टू प्लस एक्स, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस फाइव को आगे लाओ तो क्या होगा, लिखेंगे माइनस फाइव एक्स, माइनस फाइव में से एक घटाओ, प्लस माइनस टू आगे आया उसमें से एक घटाओ, प्लस एक्स पावर वन वन आगे लाओ उसमें से एक घटाओ। ये तो मैंने तरीका बताया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस फाइव एक्स पावर कितना, माइनस फाइव माइनस वन माइनस सिक्स, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस हो गया तो माइनस टू लिखेंगे, एक्स पावर कितना माइनस थ्री, और यहाँ पे एक्स पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, वन। तो हम लिख सकते हैं कितनी वैल्यू, ये आ गया आंसर माइनस फाइव एक्स पावर माइनस सिक्स माइनस टू एक्स पावर माइनस थ्री प्लस वन, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये हमारा तरीका होता है डिफ्रेंशिएट करने का, ओके। चलिए अब चलते हैं रूल नंबर टू की तरफ। मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी बच्चे कर ले गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर टू की तरफ चलते हैं। रूल नंबर टू देखें जरा बच्चों, रूल नंबर टू, रूल नंबर टू देखें, रूल नंबर टू मैं यहीं लिख देता हूँ, रूल नंबर टू, ठीक है। चलिए रूल नंबर टू देखिए, रूल नंबर टू है कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे वाई इजकल टू मैं बोलता हूँ टू, कोई कांस्टेंट वैल्यू चाहे मैं लिख दूँ वाई इजकल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा बच्चों वो होगा हमारा जीरो, ठीक है। जैसे टू है तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा जीरो, ठीक है। तो जहाँ भी कांस्टेंट टर्म आएगा उसका जो डिफरेंशिएशन होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों फिर आगे बढ़ेंगे, ओके। चलिए तो ये डिफरेंशिएशन में हम लोग बातें कर रहे हैं, जैसे आप देखें समझें मेरे प्यारे बच्चों से, अगर मैं y इक्वल टू बोलूँ x प्लस वन अपॉन एक्स, तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x प्लस वन अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करें तो लिखेंगे कितना dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना d अपॉन डी एक्स, और कितना x प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स है और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, x पा एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स पावर कितना है वन है, और वन में से वन घटाएंगे तो कितना हो जाएगा वन प्लस, अच्छा चलो एक लाइन बढ़ जाते हैं, टेंशन मत ही लो बेटा, टेंशन मत ही लो, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो जरा समझो, इसको लिख सकते हैं क्या, डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर वन प्लस एक्स पावर कितना माइनस वन, तो डिफ्रेंशिएट करिए एक्स पावर वन है तो वन आगे आया, एक्स पावर वन माइनस वन घट गया, प्लस माइनस वन आगे आया एक्स पावर माइनस वन में से माइनस वन घट गया, तो यहाँ पे एक्स पावर जीरो आ गया तो उसकी वैल्यू वन हो गई, यहाँ पे कितना प्लस है यहाँ माइनस, और एक्स पावर कितना माइनस टू, तो वैल्यू क्या लिखेंगे वन माइनस एक्स पावर माइनस टू, हमारा आ गया क्या आंसर। क्या ये बातें सबको समझ में आई, क्या ये बातें सबको समझ में आई मेरे पहले बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो आगे जब हम इसी पे बात करेंगे तो फिजिक्स में हम लोग इसका कैसे यूज करेंगे, देखो जरा अगर मैं कहता हूँ डिस्प्लेसमेंट, देखना जरा समझना, मैं कहता हूँ डिस्प्लेसमेंट एक फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। जैसे एक्स इजकल टू मैं कहता हूँ टी स्क्वायर प्लस वन हो, तो डी एक्स बाई डी टी जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, डी एक्स बाई डी टी वो दे देता हमारा क्या वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी देता है वेलोसिटी। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो मैं लिखूँगा डी अपॉन डी एक्स, क्या लिखूँगा सॉरी टी के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो इसको लिखूंगा क्या, मैं इसको लिखूंगा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या लिखूंगा, इस फंक्शन को मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा डी एक्स बाई डी टी, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी बाई डी टी लिखा और यहाँ पे लिखा टी स्क्वायर प्लस वन, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, टू टी आगे आया, टू आगे आया टी में टू से वन घटाया, प्लस वन का जीरो कॉन्स्टेंट टर्म है तो कितना आएगा टू टी, है ना, और डी एक्स बाई डी टी क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी। अब देखें वेलोसिटी भी यहाँ पे कैसा आ गया, वेलोसिटी भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है। तो आगे थोड़ा सा और देखते हैं, आगे थोड़ा सा और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगर देखें जरा समझे, एक चीज़ समझ लें, अगर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम,
इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स बाई डी टी तो क्या मिलता है वेलोसिटी और एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वी बाई डी टी से तो वैल्यू आती है क्या एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये बातें आप याद रख लीजिए, ये बातें हमें काइनेमेटिक्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी काइनेमेटिक्स में। ओके चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग, ये डिफ्रेंशिएशन तो हम लोग ने सीख लिया, अब हम बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों की है ना। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे हम लोग इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं जरा वो देखते हैं और उसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।